नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी टीवी निष्पक्ष बात। मैं हूं सुनील यादव। यदि आपने अभी तक एनबी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया शहर में बिजली कंपनी द्वारा मनमाने बिजली बिल थमाए जाने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े बिजली बिल से आम उपभोक्ता की जेब पर सीधा डाका डाले जाने का काम बिजली कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये बिजली उपभोक्ता खुद कह रहे हैं। बढ़ते बिल से परेशान हर रोज दर्जनों उपभोक्ता बिल हाथ में लेकर बिजली विभाग के चक्कर काटने को मजबूर है। वहीं प्रदेश की कमलनाथ सरकार बिजली बिल आधा किए जाने की बात कह रही है। इसी को लेकर हमारे पिपरिया संवाददाता लोकेश मालवी ने बिजली उपभोक्ताओं से चर्चा की, जिन्हें अब बिजली का बिल भी करंट मार रहा है क्योंकि बिल अब हजारों में आ रहा है। देखिए विशेष चर्चा लोकेश मालवी के साथ एनबी टीवी निष्पक्ष बात पर। यहाँ पर जो लोग हैं बिल ले लेकर आए हैं और ये परेशान इसलिए हैं कि इनके एक माह का बिल इतना अधिक आ गया है कि अब ये भर पाने की स्थिति में नहीं है। सीधे तौर पर चलकर हम इन उपभोक्ताओं से पूछेंगे कि आखिर क्या कारण है कि इनके बिल इतने ज्यादा आ गए हैं। क्या नाम है आपका? राधेलाल काहर। कहाँ रहते हैं आप? हतवास। ये कितना बिल आया आपका? 11,194 रुपए। कितने महीने का बिल है ये? एक महीने का बता रहा है। अगले में पिछले महीने का 50 यूनिट आया था 100 रुपए, और अभी एकदम से ने 11,194 कर दिया है इसका। कितनी रीडिंग कितनी बताई, खपत कितनी? खपत बता रहा है ये 1218 यूनिट एक महीने की। हाँ, 1200 जी लिखी ना, 1218 यूनिट बता रहा है। बिजली उपयोग करते हैं, क्या जलाते हैं आप? बिजली सर क्या, ये बल्ब जल रहे हैं सर और पंखा है। क्या काम करते हैं आप? मजदूरी करते हैं सर, और क्या, बंडी में। कोई अधिभार के लिए कोई घर में कोई उपयंत्र है ऐसे भारी जो जलाते हो आप? नहीं नहीं है ना सर, आप चेक कर सकते हैं, जाके देख लीजिए, वैसे कोई चीज है नहीं है। 11,000 का बिल जो अब इनकी कमर तोड़ बिल ऐसा आगे आए कि ये भर पाने की स्थिति में नहीं है, इसलिए यहाँ पर जो है विद्युत मंडल के सामने खड़े होकर ये कहीं ना कहीं इस इतने भारी बिल से निजात मिले इसको लेकर ये यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन जिम्मेदार जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं वो मौजूद नहीं है, वो सिर्फ जो जिस तरीके से हम लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? अंतर राजपूत। कितना बिल आया आप? हमारा इस महीने का 3118 रुपए है, यानी कि पहले का पुराना हमारा 1104 रुपए बचा था, इस महीने का 2000 रुपए बिजली का बिल आया है। पिछले बार का जमा कर दिया था? पिछले बार का आधा किया था, यानी वही बचा है हमारा 1104 रुपए। तो इस महीने का हमारा पूरा टोटल करके कर दिया उन्हें 3118। पूछा नहीं आपने कि ये कैसे एक महीने का आपने इतना जोड़ दिया? तो पूछा था, ये कह रहा, ये बोल रहा है कि इतनी रीडिंग जली है आपकी, और आप हमारे घर कर चल कर देखिए साहब, आप हमारे इतने यानी कि कैसे जल रहा है, हम लोग इतने ऐसे कैसे मीटर जल रहा है हमारा। नया लगा है पुराना? नहीं, पुराना लगा, एक साल पुराना है, जनवरी के महीने में। पहले कभी इतना बिल आया कि नहीं? नहीं सर, हमारे पास पहले बिजली का बिल दिया ही नहीं, जो आया पहले फॉर्म भरे थे ना वो वाला मीटर है, ये गरीब लोगों का संबल योजना वाला, वही वाला संबल योजना का। देख सकते हैं आप जिस तरीके से संबल योजना के तहत यहां पर सरल बिजली योजना लागू की गई थी, लेकिन इसका भी लाभ कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। बिल इतने ज्यादा मात्रा में आ रहे हैं कि लोग लगातार परेशान हैं। आपका नाम क्या है? सोना ठाकुर। कहाँ से आए? आंटी टोला से। कितना बिल आया है? हमारा 4,000 रुपए बिल आया, और हर महीने हम जमा कर रहे हैं। पहले 200 रुपए आया था अगले महीने, और इस महीने में उसे 4,000 रुपए धर दिया। मीटर कौन सा लगाया? अभी नया डब्बा लगाया इन्हें। हाँ, पूछा नहीं आपने ये 4,000? उन लोगों से बात किया तो वो बोलते हैं कि आप आधा आधा करके जमा कर दो, आपकी रीडिंग जल रही है। पर हमारे घर में इतना कुछ नहीं है, सिर्फ दो बल्ब जलते, दो कमरे का घर हैगा, और बस पंखा का सब बंद, कुछ भी नहीं है हमारे पास। उसके बाद भी यहाँ पर लगातार उपभोक्ता परेशान है, और इनका कहना है कि किस तरीके से ये बिल आ रहे हैं और इन बिल की जो रीडिंग है वो किस तरीके से चल रही है, इनकी समस्या परे है। नए जो मीटर खासतौर पर लगाए गए हैं उन उपभोक्ताओं में ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों से जब हमने फ़ोन पर बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि इन बिलों को कन्वर्ट करके उपभोक्ताओं से लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, लिया तो जाएगा, कहीं ना कहीं असमर्थ है इसको लेकर, ये यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? इसहाक अली। कहाँ से आए आप? रामविलास कॉलोनी हतवास। ये कितना बिल आया आपका? सर ये आया मेरा 1890 एक माह का। एक माह का। पिछले महीने कितने का कितना जमा किया? पिछले महीने में 1463 जमा किए थे। पूरा की पूरा? पूरा का पूरा। कौन सी योजना के तहत मीटर लगा है? सर इसमें कोई योजना नहीं है हमारे पास। पुराना ही लगा हुआ? पुराना ही लगा है। इसके पहले कभी इतना बिल आया आपका? नहीं आया सर, ये इसी बार आया है। इसी बार आया। इससे को लेकर अभी आपने कोई अधिकारी से बात की बिजली विभाग? सर वो सुनते नहीं है, बोलते हैं कि साहब आएंगे, साहब से बात करना, साहब मिलते ही नहीं है कभी,
और साहब मिलते ही नहीं तो बस चले जाते। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गरीब लोग हैं ये कहीं ना कहीं इतने भारी बिल को लेकर अब असमंजस में है कि इसका भुगतान कैसे करें, लेकिन जिम्मेदार जो हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर बिल आया है तो भुगतान करना ही पड़ेगा। और भी लोग हैं हमारे साथ, क्या नाम है? नारा नहरवार। कितना बिल आया आपका? बिल तो 2 महीने हुए मीटर लगे हुए, उससे पहले उन्होंने 4-5-7 हज़ार का बिल पहुँचा दिया। मीटर लगने से पहले? पहले का बिल है ये। तो पूछा नहीं ये कैसे आ गया? था बोल रहा था आपने जो पंचायत में जो रसीद काटी थी, जब से बिल लग रहा हूँ। जब पंचायत में जिन्ना विद्युत आपट हम कई बार आए, भाई बिल बिजली मीटर लगा दो, वे लोग बोलते हैं लग जाएगा और बिल पहुंचा दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मीटर लगा नहीं और एवरेज बिल आ गया इनका जो 7 हज़ार रुपये, जिसका भुगतान करने के बाद अब ये फिर ये अगला बिल लेकर यहाँ पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं बिजली विभाग की जो कार्यप्रणाली है लगातार संदेह के घेरे में है, और जिस तरीके से उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से इन लोगों की ये समस्याओं का निराकरण हो फिलहाल ये समझ में नहीं आ रहा है। लगातार हम यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं कि इनके बिल को लेकर अब इनकी स्थिति क्या है। ये बिल आया है अम्मा जी कितने का? 4 हज़ार है बिल मेरा। कितने महीने का है ये? एक ही महीने का, यही महीने का। कितने महीने का पूरा जमा करे? जमा नहीं, ये तो रसीद लाई हूँ मैं। तो अब फिर 4 हज़ार आ गया? हाँ, 4 हज़ार फिर आ गया। पूछा नहीं बिजली अधिकारियों से क्या हो? तो वो साहब नहीं मिला हमको।